जी हाँ, साक्षात्कार में जो मेहमान है क्षेत्र में पहचान का मोहताज नहीं है। किसान परिवार से आने वाले इस शख्स अपनी पहचान, अपनी ईमानदारी, मेहनत, सच्ची लगन से एक अलग ही मुकाम हासिल किया है। तो देखिए हमारे वरिष्ठ संवाददाता अवधेश कुमार के साथ। नमस्कार, मैं आपका दोस्त अवधेश कुमार पारिक। आज हमारे बीच में जो शख्सियत है, जो BKN ब्रह्म कुमारी आश्रम से वो बिलोंग करते हैं, उनका हम साक्षात्कार लेकर हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं कि ब्रह्म कुमारी आश्रम से आध्यात्मिक और इस विनाशकारी सृष्टि से कैसे मुक्ति पाई जाए। आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसमें क्या है, आज ये ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय जिन स्वयं परमात्मा ये आध्यात्मिक ज्ञान दे रहे हैं, वो बता रहे हैं कि जितने भी आत्माएं हैं विश्व में, एक कहा होता है ना कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब है भाई, तो भाई किस हिसाब से है कि हम सब आत्माओं का पिता वो एक ही है, जिसे कहते हैं परम पिता परम आत्मा, उसका नाम है शिव। तो आज हर सभी धर्म स्थापक एक शिव को मानते हैं, उसे किसी भी रूप में, वो कुरान में लिखा खुदा नुक्ता ये नूर है, नूर यानी चमक है, ज्योति। बाइबल में ईसा मसीह ने संदेश दिया गॉड इज लाइट, यानी परमात्मा प्रकाश प्रकाश हो। तो गीता में मैं अजन्मा अभोक्ता मैं दिव्य ज्योति हूँ, तो अंतर कहाँ है, क्यों रहा समझ का अंतर। तो हम कोशों दूर चले गए, हम भौतिक में आ गए और आध्यात्मिक को भूल गए। आत्मा आध्यात्मिक है, आत्मा का पिता आध्यात्मिक है, और हम शरीर को ही मैं मान रहे हैं तो ये भौतिक है शरीर को, आत्मा आध्यात्मिक है। तो आत्मा की होती है मुक्ति, जीवन मुक्ति तो शरीर की नहीं होती। मतलब आत्मा और परमात्मा का जो फेर को लेकर जो सनातन संस्कृति में अभी जो चल रहा है, उस पे ही मेन उद्देश्य वो है कि ब्रह्म कुमारी आश्रम उन पे ही सही रिसर्च की ओर है, अगर ये माने तो। हाँ, तो परमात्मा बस इस बात से समझा रहे हैं कि सहज राज योग सिखा रहे हैं परमात्मा। अब योग का अर्थ है जोर, अब वो हो गया क्या, हट योग हो गया। अच्छा, कि शरीर को समझकर फिर योग कर रहे हैं। तो मैं तो शरीर हूँ ही नहीं, मैं तो एक आत्मा हूँ। आत्मा का संबंध परमात्मा से जोड़ना, ये जोड़ना, ये हो गया योग। योग का अर्थ जोड़ है, तो सहज राज योग का अर्थ है कि ये सहज बताया परमात्मा कि हम एक आत्म एक आत्मा हो, और आत्मा का आत्मा रूप से मेरे बच्चे हो तुम। हम जो कहते हैं ना परम पिता परम आत्मा, तो वो भी परम आत्मा यानी सब आत्माओं में श्रेष्ठ आत्मा परम धाम की रहने वाली, जिसे निर्वाण धाम कहते हैं, मुक्ति धाम कहते हैं, अभी कलयुग में सब शूद्र वर्ण में। तो परमात्मा कहते हैं शूद्र से फिर ब्रह्म कुमारी का जो मेन उद्देश्य क्या है। ब्रह्म कुमारी का मेन उद्देश्य ये है कि आत्मा का उत्थान कैसे हो। अभी सब आत्मा का पतन हो चुका है, यानी सृष्टि का पतन है, सारी सृष्टि पतन की ओर अग्रसर है। तो परमात्मा अब सृष्टि को चेंज कर रहे हैं, यह नरक बनी दुनिया को स्वर्ग बनाने का कार्य कर रहे हैं, वो दिशा निर्देश दे रहे हैं परमात्मा को। अच्छा। गीता में लिखा कि मन मना भव मध्य जीवो, यानी मन मुझ में लगाओ। योग का अर्थ है कि उससे संबंध जोड़ो, कि हम आत्मा उसके बच्चे हैं परम पिता परमात्मा के। तो मन मना भाव मन उसमें लगाओ, तो आत्मा में तीन शक्तियाँ, मन बुद्धि संस्कार। तो परमात्मा ने तीन शक्तियाँ दी, तो परमात्मा कहते हैं मन मन मुझ में लगाओ और बुद्धि द्वारा मुझे परम धाम में देखो। अच्छा, तो मध्य जीव तो त्रिदेव है, ब्रह्मा विष्णु महेश, तो मध्य में कौन है, विष्णु। तब तो विष्णु लोक यानी सतयुग में लक्ष्मी नारायण के राज्य में आ जाएंगे। केकड़ी विधानसभा क्षेत्र से जो आप ब्रह्म कुमारी आश्रम का जो प्रचार प्रसार कर रहे हो, तो ये कितना टाइम हुआ, कौन आपका प्रेरणा स्रोत रहा, कब से आपको ये मन में ये लगा कि हम सही रास्ते पे अपन अब है, ये बड़ा प्रश्न है। हाँ, क्योंकि सांसारिक जीवन को छोड़कर इसमें अगर पूरा मन लगाना, एक बड़ी विकट समस्या होती है आम आदमी के लिए। पहले पहले क्या था कि शास्त्रों में उलझे हुए थे, तो समझ में यह नहीं आता था
कि अभी कृष्ण को कहते हैं, एक तरफ तो कहते हैं कृष्ण में तो वैकुंठाधीश है, क्षीर सागर में पीपल के पत्ते में पहले पहले कृष्ण आया, और कहीं पर दिखा दिया कि कृष्ण द्वापर में आया। अब कृष्ण फर्स्ट नंबर 16 कला संपूर्ण देवता है, देवताओं में फर्स्ट 16 कला का मतलब 100%। रामचंद्र जी 14 है तो 2 कला कम हो गए ना, तो फिर त्रेता में आ गया। अच्छा, तो कृष्ण सतयुग में है, पहला प्रिंस है विश्व का, वर्ल्ड में पहला प्रिंस है कृष्ण। आपका प्रेरणा स्रोत? प्रेरणा स्रोत तो जैसे हमें लौकिक बच्चे से मिला है। अच्छा, और कब से आप इस बीके मतलब ब्रह्म कुमारी आश्रम से जुड़े हो? ये 2009 से। आपका जो प्रचार प्रसार का जहाँ से आप आते हो वहाँ इसके कई चीज़ें कहीं भूल गई, वो अज्ञानता को वो रात हो गई, तो अब रात का अंत है, यानी कलयुग का अंत है। अब वापस सतयुग आएगा तो संगम यदा यदा धर्म से गलानी भक्ति भारत है, तो धर्म का उत्थान करने के लिए परमात्मा इस धरा पर आता सृष्टि पर, तो कब आता है तो उसे कहते हैं संगम युग। संगम युग आत्मा और परमात्मा का मिलन यही चल रहा है, यही समय है। इसलिए तुलसीदास जी ने रामायण में राजस्थान में भाग्य मानुष तन पावा। राजस्थान में वो एरिया जहाँ अपन माउंट आबू से अपन बात करते हैं, ब्रह्म कुमारी आश्रम का सबसे बड़ा वहाँ आश्रम है, वहाँ एज ए पॉलिटिशियन भी वहाँ पहुँचते हैं, सब कुछ वहाँ पहुँचते हैं। इनका एक लोगो भी यही है, ओम शांति। हाँ, मतलब शांति के लिए दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर है कि अभी इंसान अगर ये चीज़ें माने तो, क्योंकि कोई की पैसे के पीछे, कोई संसारिक जीवन के पीछे, तो ये चीज़ें मतलब एक मनुष्य के लिए जो फेरा है, मतलब अर्थ की भी उसको जरूरत है, उसको संसारिक जीवन की भी जरूरत है, तो उसके लिए अगर सबसे बड़ा कोई स्थान है तो वो माउंट आबू है। माउंट आबू क्यों है, कैसे है, क्योंकि आप वहाँ माउंट आबू में कम से कम आके 5 से 10 यात्रा वहाँ हुई बराबर, आपने वहाँ के जो कैंप है उनको भी आपने ज्वाइन किया है, वहाँ कितने कैसे लोग आते हैं, कोई ऐसा यादगार जो किस्सा जिससे वो प्रेरित हो? वहाँ पर माउंट आबू में मधुबन के अंदर है, और देश विदेश के सभी समर्पण भाई बहन आते हैं बीके, यानी वहाँ एक आत्मा में ऐसी शांति का अनुभव होता है, एक अपनत्व, चाहे वो बिहार के हो, इंग्लैंड के हो, अमेरिका के हो, कहीं के भी हो, लेकिन ऑटोमेटिक मिलते ही एक अपनत्व ऐसा भाव प्रकट होता है, भाव प्रकट होता है, उसमें कोई मेरा तेरा पराया वो नहीं है, एक परिवार एक छत्र के नीचे एक परिवार है, जैसे हम सब ऐसे शांति का अनुभव होता है। बिल्कुल सही। आपने पिछले महीने जो एक कैंपेन चलाया था गाँवों में रथ यात्रा लेकर आप निकले थे केकड़ी विधानसभा क्षेत्र के, कहीं गाँव गए डाणी कस्बा व आप निकले हो, तो उसको लेकर जो संदेश गया है उसमें आपने एक बात बताई कि कुंभकर्ण की झांकी जो आपने हर गांव पे डिस्प्ले पे आपने दिखाया उसको, तो उसको लेकर भी कई सवाल खड़े हुए हैं कि कुंभकर्ण अपने मनुष्य जीवन का मेन लक्ष्य है। मारवाड़ी में कहा तक नर तू ऐसा कर्म कर जो नर से नारायण नारी से लक्ष्मी बने। बिल्कुल। अब देखो, अब किसी बच्चे की इच्छा है कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो बैरिस्ट्री तो नहीं पढ़ाएंगे ना उसको, डॉक्टर पढ़ाएंगे, साइंस लाएंगे। हाँ बिल्कुल। यदि अगर किसी को वकील बनने की शौक है तो उसको डॉक्टरी थोड़ी पढ़ाएंगे, दिलाई जाएगी, वो वकालत पड़ेगा, वकालत पड़ेगा। तो ऐसे ही हमें नरसे नारायण बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब तो ऐसा कर्म कर जो नरसे नारायण नारी से लक्ष्मी बने। बिल्कुल। तो कौन सा कर्म करेगा, कौन सा कर्म? अब वापस अपने, लेकिन अपन क्या कोसों दूर हो गए आध्यात्मिक ज्ञान से, तो उसमें अपने वापस ही कभी उत्तर मारवाड़ी में, तो वो उत्तर अब परमात्मा ने सारे कावतों का जो भी है शास्त्रों का सारा सार समझाया है, तो सत मत छोड़िए सूरमार, सत छोड़िए पत जाए, सत की बांधी लक्ष्मी फिर मिलेगी आए, तो सत मत छोड़िए सूरमार, सत कौन है, सत्यम शिवम सुंदरम, शास्त्रों में सत्य एक शिव को होते हैं, तो उस शिव को छोड़ने से सत छोड़िए पत जाए, यानी रास्ता भटक चुकी दुनिया। बिल्कुल। और सत की बांधी लक्ष्मी यानी उससे बंधा हुआ नरसे नारायण है,
बनाने वाला तो वो शिव है, तो अब वापस नई दुनिया रच देगा तो अब कौन आएगा? कौन आधा में देवी देवता, तो पहले पहले आएंगे कृष्ण। इसलिए शास्त्र में लिखा है पहले पहले क्षीर सागर, क्षीर सागर का मतलब अपन चले गए पानी के सागर, वही वापस भौतिक ज्ञान पर आ गए, जबकि ये आध्यात्मिक क्षीर सागर जैसे कहते हैं ना, भव सागर से पार होता हो, भव सागर का मतलब ये दुखी दुनिया से, दुनिया को भी सागर कहते हैं। मतलब जो बीके का जो पूरा काम हो रहा है वो आध्यात्मिक चीज तौर पर जोड़ना है। और ये लास्ट मेरा क्वेश्चन आपसे, आपका जो संदेश जो हम उन तक पहुंचा पाए, जो सार, जो बीके का जो सार है आम आदमी तक, अगर कोई आम आदमी जैसे रूटीन में रोजमर्रा के लिए अगर वो काम कर रहा है, कैसे कर रहा है, तो उनका एक छोटा सा कोई विजन हो, वो सुबह शाम अपना काम कर ले और इस चीज़ को ज्वाइन करे, तो उसके लेकर कोई संदेश? इसमें सीधा साधा संदेश, सीधा सा परमात्मा ने एक पहला पार्ट ये दिया है, हम शरीर नहीं है, ये तो पांच तत्व का पुतला है, हड्डी मांस का पुतला पांच तत्व का, पांच तत्व भौतिक, हम तो एक आत्मा है, ज्योति स्वरूप आत्मा है, तो शरीर को चलाने वाली चैतन्य शक्ति आत्मा है। बिल्कुल, शरीर तो जड़ है, तो हम अपने को जड़ शरीर ही समझ लिया है, ये अज्ञानता है। तो परमात्मा कहा बच्चे तुम एक आत्मा हो, तो भरगुटी के मध्य जो तिलक करते हैं ना, तो आत्म सर्वमुक्ति का तिलक है, हम आत्मा यहाँ बैठ कर फिर शरीर को चला रही है, तो हमें आत्मा समझ कर परम पिता परमात्मा, मैं एक आत्मा हूँ, और मेरा कौन, मेरा परम पिता परम आत्मा, वो भी आत्मा ही है, लेकिन अंतर क्या है, वो सर्वज्ञ है, हम अल्पज्ञ हैं। तो सारे सृष्टि चक्र का राज हमारे 84 जन्मों की जन्म पत्री, वो परमात्मा हमें बताते हैं कि बच्चे तुमने सृष्टि चक्र में कैसे 84 जन्म लिए, तो ये अभी अंतिम जन्म है। देखो प्रकृति भी क्रूर है इस टाइम, जैसे मनुष्य तमोप्रधान हो चुका, तो प्रकृति भी तमोप्रधान हो चुकी, आज देखो आए दिन कितने विकराल स्थिति हो रही है संसार में, भूकंप है, महामारी है, समुद्र का उपद्रव है, हवा का उपद्रव है, हर प्रकार से परमात्मा करेगा, प्रकृति भी तमो प्रधान हो चुकी है, तो अच्छा। जब तुम सतो प्रधान होगे तो प्रकृति भी सतो प्रधान हो जाएगी। ये थे हमारे साथ बीके रामलाल भाई, और ऐसे ही सक्सेस से जल्द आपसे और रूबरू कराएंगे। आप देखते रहे न्यूज़ प्लस।